तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर रेगुलराइजेशन। व्हाट डू वी मीन बाय रेगुलराइजेशन, ये थोड़ी देर में अभी पता लग जाता है। बिफोर वी स्टार्ट, हम दो तीन बातें बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं ताकि लेक्चर फॉलो करना आसान हो। लेट्स फर्स्ट लुक एट polynomials. Let's first look at polynomials and their powers, their abilities. सबसे पहले लाइन को देख लेते हैं, जिसको आप लाइन कहते हैं, जिसकी आप इक्वेशन लिखते हैं y. Oh wait. जिसको आप लाइन कहते हैं और उसकी इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज y माइनस एम एक्स माइनस सी इक्वल्स जीरो, और या चलिए अगर ऐसे नहीं भी लिखते, इसको नीडलेसली कॉम्प्लिकेट नहीं करता मैं। y को एम एक्स प्लस सी इसको कहते थे, इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन। अगर यस मैं x में देखूं इसको, तो x की पावर, मैक्सिमम पावर इसमें वन है। तो जिसको लाइन कहते हैं, इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन। देन यू हैव पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री टू, फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक्स वाई इक्वल्स एक्स स्क्वेयर, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री थ्री, फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल्स एक्स क्यूब एंड सो ऑन। डिग्री एम के पॉलिनोमियल्स भी होते हैं। मैं ये पॉलिनोमियल्स की पूरी फॉर्म्स नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ हाईएस्ट पावर वाली टर्म लिखी है यहाँ पे, इधर सिर्फ हाईएस्ट पावर वाली लिखी है, लेकिन यहाँ पे पूरी फॉर्म लिखी थी। हाईएस्ट पावर भी लिखी है वाई इक्वल्स एम एक्स, और प्लस उससे लोअर पावर जो है, पावर जीरो वाली टर्म जिसमें एक्स की पावर जीरो है, वो भी लिखी है। सिमिलरली इधर भी प्लस लोअर पावर्स भी होती होंगी, सिमिलरली एक्स क्यूब प्लस लोअर पावर्स भी होती होंगी, लेकिन जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है वो पॉलिनोमियल का ऑर्डर होता है। सो डिग्री एम का पॉलिनोमियल भी होता होगा, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो, ए टाइम्स एक्स टू द पावर एम प्लस बी टाइम्स एक्स टू द पावर एम माइनस वन प्लस ऑल द वे डाउन टू आई डोंट नो समथिंग, सी लेट्स से के टाइम्स एक्स टू द पावर जीरो। तो ये वो कांस्टेंट टर्म होगी यहाँ पे। और आप लोग, चूंकि खैर ब्राउजर आपके पास होगा अभी, यू कैन वेरीफाई ऑल दीज थिंग्स के अगर आप अभी गूगल पे जाके जस्ट टाइप दिस ऑन गूगल, प्लॉट एक्स, जस्ट टाइप दिस ऑन गूगल, डू इट नाउ, प्लॉट एक्स, ठीक है? तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है? अगर आप प्लॉट करें, अगर आप प्लॉट करें 2x-7, तो एक और लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो जो -7 से गुजरती होगी, और उसका स्लोप इससे डबल होगा, लेकिन ओरिजिन से नहीं गुजरती होगी, वो -7 से गुजरती होगी। मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, पर गूगल पे किसी ने ट्राई किया? हैज एनीवन ट्राइड? जी सर, सुमान, आपके अलावा किसी ने ट्राई किया हो? एनीवन एल्स? मैं भी चैट विंडो नहीं देख सकता। मुफ्रा मोशन जी को फेक नहीं किया ट्राई। ओके, सो
इस लाइन पे बाद में लाइन पे वापस आते हैं, पर यू कैन नोटिस के लाइंस के अंदर जो पावर होती है वो इस तरह सीधी सीधी चीजों को रिप्रेजेंट करने की होती है. अगर मेरे पास पॉइंट्स हों, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर और मे बी एक पॉइंट इधर, ये तीन पॉइंट जो है, कोई लाइन नहीं है दुनिया में, कोई फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं है जो एक दो तीन इन तीन पॉइंट्स के अंदर से गुजरता हो. यस और नो? यस. व्हिच मींस के फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल्स जो है लाइंस, वो इस तरह के डेटा को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, उनमें ताकत ही नहीं है. लेकिन एक क्वाड्रेटिक में शायद ताकत हो. क्वाड्रेटिक के कोई कोएफिशिएंट्स होते होंगे, यहाँ पे ए, अगली टर्म पे बी, अगली टर्म पे सी, कोई ना कोई कोएफिशिएंट्स होते होंगे, कोई ना कोई क्वाड्रेटिक ऐसा होता होगा जो इसको इनमें से गुजर जाए. और ये भी बाद में गूगल में जाके इसको भी लिख दे, एक्स स्क्वायर को इस तरह का निकल आएगा. एक्स क्यूब वाला पॉलिनोमियल जब आप बनाएंगे तो वो ऐसा निकलता होगा, इस तरह की कोई चीज बनती होगी, एक्स क्यूब वाले पॉलिनोमियल्स. और अगर डेटा डेटा इस तरह का है तो कोई भी क्वाड्रेटिक नहीं है दुनिया में जो इस तरह के पॉइंट्स को में से गुजरता हो. क्वाड्रेटिक में इतनी ताकत नहीं है, क्यूबिक्स में ऐसी ताकत है. सो ये भी आप प्लॉट करते हैं गूगल में एक्स क्यूब का कोई पॉलिनोमियल, और उसमें लोअर ऑर्डर टर्म्स भी आप डाल सकते हैं, उनके कोएफिशिएंट्स भी कोई भी डाल सकते हैं, पर शक्लें ऐसी ही बनेंगी. लाइन की सीधी शक्ल बनेगी, क्वाड्रेटिक की ये शक्ल बनेगी, सेकेंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की ये शक्ल बनेगी. या तो मैंने वेरीफाई किया गूगल पे. जी ओके ग्रेट. और सिमिलरली और आप नोट कर रहे हैं कि ज्यादा ताकत आती जा रही है. ज्यादा ताकत आती जा रही है फर्स्ट ऑर्डर की निस्बत सेकंड ऑर्डर में, अपने थर्ड ऑर्डर में और ज्यादा. बाय द वे, क्या सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल जो है वो लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है? ये तो ज्यादा ताकतवर होता है ना, तो क्या सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल कम वाली ताकत यानी फर्स्ट ऑर्डर इसको रिप्रेजेंट कर सकता है कि नहीं? जी सर, कर सकता है. सलमान कर तो सकता है, फिर उसमें जो है हमें लिमिटेड करना पड़ेगा कि अगर ओरिजिन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है. आपका जवाब यस भी है, नो भी है. कर रहा है, कर सकता है कि नहीं कर सकता? यस और नो? जी कर सकता. कैसे? जब लेट्स से अगर हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो सारे एक रीजन में है, लेट्स से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जिसको हम स्ट्रेट लाइन से मैप कर सकते हैं, तो नहीं. So, मेरा ये सवाल है जी, मैंने एक नई चीज डिस्कवर की थी तो मैं जरा शो मार लू, एक्सेस बना सकता हूं. सो ये मेरे एक्सेस है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जिसे कहते हैं. तो ये वाली लाइन है, बड़ी सादा वाई को एक्स वाली लाइन, ये रिप्रेजेंट करनी है. तो पॉइंट्स इधर भी हैं कुछ, इधर भी हैं, इधर भी हैं, क्वाड्रेटिक से करनी है. ये है सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल. इससे ये लाइन कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है? एनीवन? ए को अगर जीरो कर दें. परफेक्ट. ए को जीरो सेट कर दें तो इसका मतलब है कि सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल में इतनी ताकत है, अपने कोएफिशिएंट्स को जीरो कर दे और लोअर ऑर्डर पॉलिनोमियल बन जाए.
ये कर तो सकता है। ओके ओके, तो क्लियरली प्रूव हो गया कि ये वाले ज्यादा पावरफुल हैं, जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जा रही है इनकी पावर बढ़ती जा रही है। लेकिन हमने ये भी सीख लिया है दो बातें, इनकी कैपेबिलिटी, फिर हमने ये भी देख लिया है कि अभी अभी देखा है कि कैपेबिलिटी रिड्यूस की जा सकती है किसी पॉलिनोमियल की, अगर आप उसके कोफिशिएंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दें, जैसा कि अभी हमने किया। ए को अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर दें जीरो पे, तो क्वाड्रेटिक की ताकत कम करके आप लाइन पे ला सकते हैं। राइट ठीक है, जी सिमिलरली मैं ये भी कर सकता हूं कि अगर मैं लाइन पे ही रहता, लेट्स से मैं सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल ना होता, मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर भी होता, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। अगर मैं c को रिस्ट्रिक्ट कर देता कि ये जीरो होना चाहिए, तो किस किस्म की लाइन होती मेरे पास? सारी लाइन असल जो ओरिजिन से पास करती है। ये सारी वो लाइंस होती हैं जो ओरिजिन से पास होती हैं। यस, जी तो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस होती हैं, ओरिजिन पासिंग, फॉर लैक ऑफ बेटर टर्म, ओरिजिन पासिंग लाइंस। और अगर मैं एम को जीरो पे रिस्ट्रिक्ट कर देता, सारी लाइंस जिनके स्लोप जीरो है, इनके मतलब हॉरिजॉन्ट एग्जैक्टली एक्स एक्सेस और एग्जैक्टली वाई एक्सेस, और वाई एक्सेस हाँ ये लाइन बनती है वाई इक्वल सी, जी और वाई इक्वल सी का मतलब है एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है सी में से गुजरती हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर सी ये है तो ये इस तरह की लाइन होती है ना। जी अगर सी नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव पे कहीं लाइन होती है, और इस तरह। सही, सर तो ओनली हॉरिजॉन्टल लाइंस, ओनली ओके हॉरिजॉन्टल यानी जीरो स्लोप वाली, जो कि आपने पहले कहा था। ठीक जो कि असल में जीरो ऑर्डर पॉलिनोमियल है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज ए कॉन्स्टेंट टर्म है, जैसे हॉरिजॉन्टल जीरो ऑर्डर पॉलिनोमियल। सो इस एग्जांपल में तो ये हुआ है कि आप लोअर डिग्री पॉलिनोमियल पे चले गए हैं, जीरो डिग्री पे, और इस एग्जाम्पल में ये हुआ है कि आप रहे लाइन पे ही हैं, रिस्ट्रिक्ट किया है, बट यू आर स्टिल अ लाइन। पर एक ऐसी फैमिली ऑफ लाइंस अब आएगी जिसकी ताकत कम है, जो सिर्फ ओरिजिन से, यानी मैं लेस पावरफुल लिख देता हूं, दे आर लेस पावरफुल लाइंस, वो सिर्फ ओरिजिन से गुजर सकती। ये बात आप लोग मेरे साथ हैं इसमें? जी What about the others? सर ह्यूमर, जी सर सही है जी और सिर्फ आप दो ही बोलते हैं हर बारी, आप दोनों के अलावा। बाकी साइड पर शायद शोर होता है, उस वजह से माइक ऑन नहीं करते। सर ठीक है। ठीक है, ओके। जो थर्ड पर्सन जो बोले थे वो मोहसिन यस थे, और तीसरे आप होते हैं, और कोई नहीं बोलता। ओके फाइन, दैट्स फाइन। ये देखिए, जो हमने अभी बात की है ना कि पॉलिनोमियल्स की फर्क फर्क ताकत होती है, फिर पॉलिनोमियल जो है अगर आप अपने कोफिशिएंट रिस्ट्रिक्ट कर दें तो उसकी ताकत भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है, और आप लो डिग्री पॉलिनोमियल बन जाते हैं, या आप उसी डिग्री के रहते हैं पर आपकी पावर कम हो गई। ये बात लाइज एट द हार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, ठीक है।
ये वाली बात लाइज एट द हार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर. सो आई होप कि ये क्लियर हो गई होगी. अच्छा, ये मैंने जो रिस्ट्रिक्शन की है ना, बड़ी मैंने वो की है स्ट्रिक्ट. मैंने कहा बस जीरो पे मैप कर दे, सी को जीरो कर दे, एम को जीरो कर दे, ए को जीरो कर दे. ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है. फर्ज करें कि मैं ये कहता हूं कि मैंने लाइंस ही रिप्रेजेंट करनी है, वाई को एम एक्स प्लस सी, लेकिन एम की जो मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू टू है, इसका क्या मतलब होगा? एम की वैल्यू के बारे में बात कर, एम की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू टू अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं. देखिए रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही थी ना, तो रिस्ट्रिक्शन जरूरी तो नहीं है कि मैं इक्वली रखूंगी कि एम जीरो होना चाहिए. मैं ये रिस्ट्रिक्शन ले आता हूं एम लेस देन इक्वल टू टू, अब क्या होगा? ऐसी सारी लाइंस जिनकी स्लोप, इसको मैप कैसे करेंगे अगर स्लोप अगर आप सही जा रहे हैं, आपने स्टार्ट बिल्कुल सही किया है. इस जुमले को कंटिन्यू करें, ऐसी लाइन जिनकी स्लोप टू से टू है या टू से कम है. बिल्कुल, तो फिर इस फैमिली में क्या ये लाइन आ जाएगी इस तरह की? इसकी स्लोप है इन्फिनिटी के पास, मतलब जी. बड़ी क्विकली राइज कर रही है ये लाइन. नहीं, जरा सा एक्स में जाएं तो वाई में बहुत ज्यादा जाना पड़ता है, हाई स्लोप. नहीं, इसमें पावर नहीं है. हाँ, तो प्रॉब्लम इसमें कवर नहीं होगी, राइट? यानी मैं अभी भी कई किस्म की लाइंस होंगी, बस वो होंगी जिनका स्लोप टू से बड़ा ना हो. सिमिलरली अगर मैं इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाऊं कि सी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव हो, सी की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो अब ये कौन सी लाइंस है? ये जो ओरिजिन से 5 पॉइंट्स इधर, 5 पॉइंट्स लेफ्ट या 5 पॉइंट्स राइट, इस तरह से लेफ्ट थोड़ा राइट इधर के या इंटरसेप्ट अप डाउन वाला होता है. जिनका इंटरसेप्ट जो है वो और ओरिजिन से ऊपर या नीचे? जी 5 पॉइंट्स अबव और 5 पॉइंट्स बिलो. और उतना या उससे ज्यादा हो, यानी लाइन ड्रॉ करूं तो ये वाई इक्वल्स एक्स वाली ये लाइन होंगी, टू वाली स्लोप की, लेट्स से टू वाली स्लोप की ऐसी लाइंस हैं. टू वाली स्लोप की कैसी लाइंस होंगी? तो ये एक मैंने गूगल पे जब प्लॉट की है, ये पॉजिटिव है, एक्स बनेगा. यानी ये वाली जो लाइन है ये वाई इक्वल्स टू एक्स मैंने ड्रॉ किया है, और ये वाली जो लाइन है अपनी तरफ से मैंने वाई इक्वल्स माइनस टू एक्स ड्रॉ किया है, ठीक है? और जिन लाइंस की हम बात कर रहे हैं वो होंगी
इस रीजन में और इस रीजन में, ठीक है, इधर से गुजरने वाली लाइंस, ये तमाम वो लाइंस हैं जिनका स्लोप टू या टू से कम है, जो इधर से गुजरती होंगी, शेडेड रीजन से जो गुजरती होंगी लाइंस। आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं? ये चीज समझ नहीं आई, मतलब ये लाइंस कैसे, मतलब ब्लू में बनाता हूँ। सलमान मुझे बताएं इस लाइन का स्लोप कैसा होगा? टू से बड़ा होगा, टू से बड़ा होगा, यानी ये तो मेरी इस फैमिली में नहीं आ सकती है ना जी। तो ये जो वाई कोस टू एक्स है, इससे ज्यादा इससे कम स्लोप वाली जो लाइंस हैं वो होंगी मेरी फैमिली में, बिल्कुल तो ये वाली तो नहीं हो सकती, नॉट अलाउड। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसलिए मैंने ये शेडेड रीजन बनाया कि शेडेड रीजन में से गुजरने वाली लाइंस इस मेरी फैमिली में लाई करती है। नाउ व्हाट अबाउट द अदर पार्ट ऑफ दिस फैमिली, कि फिर वो वाली लाइंस जो एक्चुअली मैंने पिछली बार बहुत गलत की थी, ये जो शेडेड बनाई है ये सिर्फ वो लाइंस हैं जिनका स्लोप लेस देन टू हो लेकिन वो ओरिजिन से गुजरती है। इस सो रियली द पिक्चर इज डिफरेंट। लेट्स से ये फाइव है, फाइव इधर से गुजरने वाली भी तो कई लाइंस होंगी स्लोप टू वाली, ये तो खैर स्लोप वन है, ये स्लोप टू वाली लाइन है, इधर से फाइव से गुजरने वाली, टेन से गुजरने वाली भी कई लाइंस होंगी स्लोप टू से कम वाली, इधर से गुजरने वाली स्लोप टू से कम वाली, ठीक है, सेवन से गुजरने वाली, फिफ्टीन से गुजरने वाली, माइनस टेन से गुजरने वाली, यानी बहुत सारी लाइंस होंगी जिनका स्लोप टू से कम होता होगा। तो ये कई फैमिलीज ऑफ लाइंस है, और जब मैं कहता हूं कि मुझे वो वाली लाइंस चाहिए जिनके इंटरसेप्ट पांच से बड़ा हो मैग्नीट्यूड में, तो यहां से गुजरने वाली जितनी भी लाइनें थी स्लोप टू की, स्लोप टू से कम वाली, और यहां से गुजरने वाली जितनी भी लाइनें थी, यानी इस पूरे रीजन में से गुजरने वाली जितनी भी लाइन्स थी स्लोप लेस देन टू वाली, वो अब नहीं आएंगी, वो इंक्लूडेड नहीं, ठीक है। सो हुआ ये है कि बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वैल्यू ऑफ एम, बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वैल्यू ऑफ सी, मैंने अपनी लाइंस की जो टोटल ताकत थी मेरे पास कि मैं 2D एक्सिस में कि मैं आर टू में से आर टू में लाए करने वाली कोई भी लाइन रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वो मैं ताकत अपनी कम कर ली है, ठीक है। मैं आर टू में से अब अगर ये कंडीशंस हैं तो मैं टू डी स्पेस में तमाम लाइंस नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, कुछ कर सकता हूं, मैं अपनी ताकत कम कर ली। इज दैट क्लियर जी? अगली बात पे आते हैं, एवरीथिंग इज नॉइजी। देखिए हम मशीन लर्निंग कर रहे हैं, डीप लर्निंग कर रहे हैं, हमने डेटा से सीखना है, यानी हमें डेटा मिला होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें हमें कुछ पॉइंट्स मिले होंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी किसी ने हमें कुछ पॉइंट्स दिए होंगे और कहा होगा कि अच्छा इनमें से गुजरने वाला फंक्शन बताएं आप, इसमें से गुजरने वाली लाइन मुझे दें, इसमें से गुजरने वाला क्वाड्रेटिक मुझे दें, इसमें से गुजरने वाला क्यूबिक मुझे दें, सो ऑन। ये जो वो तो बात की बात है कि हम कैसे वो लाइन ढूंढेंगे, कैसे वो क्वाड्रेटिक ढूंढेंगे, या जॉनसन भी ऑर्डर का पॉलीनोमियल है, ये तो बात की बात है। मैं पहले कह रहा हूं कि जो डेटा आपको मिलता है
इट इज ऑलवेज 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 नॉइजी, वो असल वैल्यूज नहीं होती, उनमें हमेशा कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होती है, यानी असली हकीकत कुछ और होती है और जो आपको डेटा मिला होता है उसमें नॉइज होता है, ठीक है। लेट मी गिव अ कंक्रीट एग्जांपल कि अगर मैं आई एम टॉकिंग अबाउट रियल डेटा, रियल लाइफ में, नॉट मैथमेटिक्स का डेटा, सिंथेटिक नहीं, यानी लेट से रियल लाइफ में फंक्शन जो जो जनरेट हो रहा था वो इस किस्म का था, साइन कर्व, ठीक है। यानी असल में जो डेटा पॉइंट्स थे वो साइन कर्व पे लाए करते थे, यानी असल में तो उनको यहाँ पे होना चाहिए था और यहाँ पे होना चाहिए था और यहाँ पे होना चाहिए था और यहाँ पे और यहाँ पे एग्जैक्टली कर्व के ऊपर होना चाहिए था असल में, लेकिन दिस इज नॉट हाउ द रियल वर्ल्ड ऑपरेट्स। रियल वर्ल्ड में डेटा की प्रोडक्शन में नॉइज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कैमरे में तस्वीर आप लेते हैं, कैमरे की तस्वीर में अब एक कैमरे का टेम्परेचर भी होता है, अगर आप कैमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो हो सकता है सेम सीन की जो तस्वीर है उसमें पिक्सल की जो वैल्यू आ रही है वो हल्की सी फर्क हो, और अगर कैमरे का टेम्परेचर कम है, सर्दियां हैं, तो सेम सीन की तस्वीर में पिक्सल की वैल्यूज में जरा सा फर्क आ गया, ठीक। फिर आपने जब तस्वीर खींचते हैं तो क्या आपका हाथ बिल्कुल स्टेबल होता है? किसी का भी स्टेबल नहीं होता, तो हमेशा थोड़ा सा जिटर, थोड़ा सा शेक होता है, वो चाहे बहुत थोड़ा हो, है तो सही, इट इज स्टिल नॉइज, तो तस्वीर हमेशा नॉइजी होगी। कोई भी सिग्नल ले लें, इनफैक्ट आप जितना ज्यादा प्रिसाइस होने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा प्रिसाइस होने की कोशिश करेंगे उतना यू फील कि ये नॉइज का इफेक्ट कितना ज्यादा है। सो रियल डेटा जो आएगा, लेट मी यूज अनदर कलर, रियल डेटा आपको असल अंडरलाइंग रियलिटी से नहीं मिलेगा, वो उससे थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड होगा। आपको डेटा मिलेगा, अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है, ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा नीचे असल में मिल रहा है, ये वाला भी थोड़ा सा नीचे मिल रहा है अपनी वैल्यू से, ये थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है, ये थोड़ा नीचे मिल रहा है, ये थोड़ा ऊपर मिल रहा है, यानी असल में जो पॉइंट्स होंगे वो किसी अंडरलाइंग रियलिटी, यानी जो आपका ऑब्जर्व डेटा आएगा ना वाई, दैट विल बी सम अंडरलाइंग फंक्शन प्लस नॉइज। मैं नॉइज को एप्सिलॉन कह देता हूं, this is noise and this is reality f of x, ठीक है। इसमें कोई सवाल आपका, कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग? नो सर। बाकी लोग anyone else? No, sir, we confirm. Okay. Okay. So, तीन बातें हो गई। चौथी बात, मशीन लर्निंग में, when you're training a model, अभी आप लोगों ने न्यूरल नेटवर्क ट्रेन किया था। And what you were trying to do was, आप ट्रेनिंग सेट था आपके पास, उस ट्रेनिंग सेट पे आप लॉस को मिनिमाइज कर रहे थे। जो आपको एक और बात सीख लेनी चाहिए वो ये है कि अगर आपका ट्रेनिंग सेट पे एरर जीरो आ रहा है, दैट्स नॉट गुड, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग सेट पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इस और तो मुमकिन है, मुमकिन है कि आप अनसीन डेटा पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, इसे कहते हैं ओवरफिटिंग, ठीक है। ओवरफिटिंग यानी ट्रेनिंग पे तो बहुत अच्छे और टेस्टिंग में बहुत बुरे, ठीक है, वर्सेस जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन है कि आप अनसीन डेटा पे अच्छे अच्छा काम कर रहे हैं, टेस्टिंग टाइम पे आप अच्छे हैं। एंड रियली मशीन लर्निंग में वी केयर अबाउट
ओनली द टेस्टिंग एरर. हु केयर्स कि आपने ट्रेनिंग सेट पे बहुत अच्छा रट्टा मार दिया था. ठीक है, जब आपने डिप्लॉय करना है अपना मशीन लर्निंग का प्रोग्राम रियल वर्ल्ड में जब लेके जाना है आपने, तो तब तो वो ट्रेनिंग वाली एग्जाम्पल्स थोड़ी आएंगी, तब तो नई एग्जाम्पल्स आएंगी, अनसीन डेटा आएगा, उनमें ये कैसा परफॉर्म करता है. तो उसे कहते हैं जनरलाइजेशन. सो जनरलाइजेशन नीड्स टू बी गुड, इट नीड्स टू बी हाई. ओवरफिटिंग इज बैड, इट नीड्स टू बी लो. एनीवेज, और इसको मैं ये ऊपर वाली तीन बातों से जोड़ता हूँ कि ट्रेनिंग एरर क्यों क्यों ऐसा होना चाहिए. लेट मी इरेज समथिंग. नाउ इमेजिन कि आपके पास ये 2D में रहते हैं, आपके पास जो डेटा आया था वो इस किस्म का था. मैं रेड से कर देता हूँ कि नॉइजी सा डेटा था. पहला पॉइंट था, ये वाला 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 था. सो इससे आपको क्या लगता है, ये साइन कर्व की तरह का हो सकता है? एनीवन? किसी हद तक लग रहा है, लेकिन वो कुछ पॉइंट्स बहुत ज्यादा जो है डेविएट कर रहे हैं साइन कर्व से. यानी सॉरी, अगर मैं अंडरलाइंग, सॉरी, अगर मैं कहता कि जी अंडरलाइंग जो रियलिटी है असली, वो साइन कर्व की तरह की होती. थोड़ा साइन कर्व तो असल में ओरिजिन पे जीरो होता है, ये ओरिजिन पे जीरो नहीं रह रहा, वो शिफ्टेड, थोड़ा सा शिफ्टेड साइन कर्व कह लें, शिफ्टेड साइनसोइडल होता है. अगर मैं कहता कि ये इस किस्म की कोई चीज है, तो आपके लिए मानना ये मुश्किल होता या प्लॉजिबल है ये बात? हो सकता है, हो सकता है ना, ये साइन की तरह थोड़ा सा बिहेव हो रहा है. अगर मैं इसके अंदर, इस डेटा में तीनों, अब ये बाकी तीनों बातें हम ना पहले तीनों पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं. अगर मैं इस कर्व में आपको कहता कि आपने लाइन फिट करनी है, लाइन फिट करनी है, फर्स्ट ऑर्डर पॉलीनोमियल ये फिट करें, तो कैसी लाइन फिट होती है? बल्कि ऐसा करें, लाइन से भी पीछे जाते हैं, जीरो ऑर्डर पॉलीनोमियल फिट करना, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कह देते हैं, तो क्या फिट होता है इसमें? कौन सी होती है वो लाइन जो बेस्ट इस डेटा को फिट करती है? इनको डेटा के बीच में से गुजरने वाली लाइन, ये इस तरह की कोई लाइन होती, आधा डेटा उसके इस तरफ होता है, कोई आधा इस तरफ होता है, बीच में से गुजरने वाली लाइन होती. ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर लेके आता वाई को एम एक्स प्लस सी, तो ये भी जरा जितने डेटा अगर नीचे को ज्यादा जा रहा है या ऊपर को ज्यादा जा रहा है, तो वो स्लोप अपनी थोड़ी सी एडजस्ट कर लेता, वो अपना इंटरसेप्ट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता, जरा से ज्यादा बेहतर कोशिश कर लेता डेटा में से गुजरने. क्लियर है ये बात? और अगर मैं कहता क्वाड्रेटिक सेकंड ऑर्डर पॉलीनोमियल, तो वो प्रॉब्ली डेटा चूंकि अब इस तरह करके है, तो प्रॉब्ली ये वाला होता सेकंड ऑर्डर पॉलीनोमियल.
या समथिंग समथिंग लाइक मे बी यू गेट द आइडिया कि वो कोशिश करता पॉइंट्स के अंदर से गुजरने की. ऑफ कोर्स उसमें ताकत है ही नहीं, लाइन में ताकत नहीं है इन पॉइंट से गुजरने की, हॉरिजॉन्टल लाइन में. और अगर कोई पूरी पावरफुल लाइन भी हो उसमें भी ताकत नहीं है इनमें से गुजरने की, क्वाड्रेटिक में से ताकत नहीं है इनमें से गुजरने की. थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल में एक्चुअली इतनी ताकत होती है क्योंकि जो ट्रेंड था ना ये वाला, थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल इन पॉइंट्स में से एग्जैक्टली नहीं गुजरेगा लेकिन इस तरह का काम कर सकता. नॉट रियली इतना मुश्किल काम जरा सा हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल करेगा, पर यू गेटिंग द आइडिया कि जो हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स हैं वो इस तरह की अंडरलाइन रियलिटी पे शायद पहुंच जाए, ठीक है, पर वो एग्जैक्टली अंदर से नहीं गुजरेंगे. पर अगर मैं रियली हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल लिया, अगेन ये जो अब मैं बात करने लगा हूँ दिस अगेन लाइज एट द हार्ट ऑफ टुडेज टॉपिक, कि अगर मैं रियली हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल लिया इसमें तो बहुत ज्यादा ताकत होगी, ये आप बात मानते हैं ना? जी. इसमें इतनी ताकत होगी कि ये अंडरलाइन रियलिटी को छोड़ के ये जो नॉइज आया था ना आपके असल डेटा में, ये नॉइज को भी मॉडल कर लेगा, ये एग्जैक्टली इन पॉइंट्स के अंदर से गुजरेगा. इसमें ताकत बहुत होगी, ये इधर भी जा सकता है शो मारेगा, मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं इधर से भी जा सकता हूँ, इसको भी पकड़ सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी, और इनके बीच में मैं इतनी बड़ी जंप मार के फिर नीचे आके फिर इस पॉइंट में से गुजर के मैं फिर शो मारूंगा, इतनी ताकत, जितनी मेरी ताकत है मैं सारी ताकत यूज कर लूंगा. और मैं हर जो आपने मुझे ट्रेनिंग डेटा पॉइंट दिए थे एक एक ट्रेनिंग डेटा पॉइंट के अंदर से एग्जैक्टली इक्वल होकर मैं गुजरूंगा और उससे भी ज्यादा मेरे पास ताकत है. मुझे बताएं ये जो रियली हाई डिग्री पॉलिनोमियल है क्या इसने अंडरलाइंग रियलिटी कैप्चर की है? नो सर. हालांकि इसमें ताकत ज्यादा थी, राइट? इसमें इतनी ताकत थी कि इसने नॉइज को भी मॉडल कर लिया. इसमें इतनी ताकत थी. और इसकी ताकत, लेट्स सी आपको ये सारी बातें समझ आई कि नहीं आई. इसकी ताकत तो बहुत ज्यादा थी हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल की, तो वो नॉइज भी मॉडल कर देगा, तो क्या हल है फिर, क्या करूं मैं? ताकत को रिस्ट्रिक्ट कर दें कुछ. इसकी ताकत को रिस्ट्रिक्ट कर दें, और ताकत को कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं? कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो उनके कोएफिशिएंट्स जीरो कर दें, अगर या जीरो कर दें या उन पे कोई कैद लगा दें. एक तो थी ना सख्त रिस्ट्रिक्शंस जो हमने यहाँ लगाई थी सारी, फिर थी जरा सॉफ्ट रिस्ट्रिक्शंस जो हमने यहाँ लगाई थी. यानी हम इसके कोएफिशिएंट्स को कहें कि आपको कोएफिशिएंट्स को बड़े होने की इजाजत नहीं है. ये अच्छी रिस्ट्रिक्शन है जो मैंने अभी बोली है कि आपके जो कोएफिशिएंट्स हैं, अच्छा हम इनको डब्ल्यू कहते हैं, ठीक हो गया, जिसको आप ए कहते थे इसको मैं डब्ल्यू एम कह दूं, एक्स टू द पावर एम का कोएफिशिएंट, जिसको आप बी कहते थे इसको डब्ल्यू एम एम माइनस वन कहता हूं, इसको डब्ल्यू जी नॉट कह देते हैं. यानी जो सी पावर है वही कोफिशियंट, डब्ल्यू जीरो, डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू, डब्ल्यू एम माइनस वन, डब्ल्यू एम. तो इन डब्ल्यू पे क्या कोफिशियंट लगाऊं, डब्ल्यू आई पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगाऊं, कैसी रिस्ट्रिक्शन होगी जो इनकी ताकत कम कर देगी, ज्यादा राइज ना करे, हाँ छोटे रहे, है ना, टू बी लेस देन आई डोंट नो सम थ्रेशोल्ड, ठीक है, सम थ्रेशोल्ड. तो फिर इस पॉलिनोमियल में अपनी जो फुल ताकत है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, इसमें कम ताकत हो जाएगी. जब कम ताकत हो जाएगी तो ये शो नहीं मार सकेगा, ये नॉइज के अंदर से एग्जैक्टली गुजरने की ताकत इसमें कम हो जाएगी. जी.
और जब ये नॉइस में से एग्जैक्टली गुजर जाता है, यानी तो फिर ये हर डेटा पॉइंट के अंदर से एग्जैक्टली अगर गुजर रहा है, ट्रेनिंग एरर सम स्क्वेयर्ड एरर कैसे होता था? वाई एन माइनस टी एन स्क्वेयर्ड सम और हाफ भी कर लेते थे, और सम ये नहीं था आपका ट्रेनिंग एरर, आपने जो भी न्यूरल नेटवर्क इंप्लीमेंट किया है उसमें यही था हाफ सम स्क्वेयर्ड एरर, यस और नो? यस मान आपको बड़ा हेजिटेंट सा जैसा आया है। सर, 1/2 इन माय कंसर्न वो बाहर था समेशन से। तो कहें कि मैं गलत लिखा है? गलत मैं वक्त जी गलत लिखा था। सो के अगर मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर अंदर भी तो आ सकता है सम के, नहीं? और फिर के टाइम मतलब 2K हो जाएगा वो, के नहीं प्लस के नहीं एन के के हो जाएगा जैसे। ए प्लस ए बी, ये सम के अंदर है ना के। और जी अब मैं सम पहले कर लेता हूं और के बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना? ठीक एक ही है बात है, दोनों एक ही बात है। जी ये आपने जो अभी किया ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओवरफिटिंग, कि आपने हाफ जैसा देखा था, जहां पे बाहर देखा था उसका रट्टा इतना स्ट्रॉन्ग लग गया ओवरफिटिंग की, जैसा जैसी अनसीन आपने नई नई एग्जांपल देखी ना, आपने कहा ये क्या हो गया, आपकी जनरलाइजेशन अच्छी नहीं थी, तो ठीक हो गया गॉट आपने बड़ी टाइमली गलती की है, थैंक यू फॉर द मिस्टेक, हमें एग्जाम्पल मिल गई एक, राइट एट योर नो एक्सपेंस आई अपोलोजाइज। प्रॉब्लम ओके, सो अगर आपका पॉलिनोमियल में बहुत ताकत है तो वो हर टी एन पे जो टारगेट वैल्यू थी, यानी टारगेट वैल्यू का मतलब रेड पॉइंट, तो आपका जो ब्लैक कर्व है वो एग्जैक्टली रेड पॉइंट्स के अंदर से गुजरेगा, एंड द ट्रेनिंग लॉस विल बी एग्जैक्टली जीरो। ठीक है, ये जो बहुत ही ताकतवर जो आपने कर्व दिया था, इसका ट्रेनिंग लॉस जीरो होगा। इसका टेस्टिंग लॉस कैसा होगा? नाउ इमेजिन कि टेस्टिंग डेटा भी तो उसी फंक्शन से आ रहा है ना, या उसी फिनोमेना से आ रहा है रियलिटी में, लेकिन बस वो जरा फर्क एक्स पे आ रहा था। मसलन मैं अगर आपसे यहां पे पूछ लूं कि जी इनके बीच में कहीं पूछ लूं, सॉरी मेरी एग्जाम्पल इतनी अगली हो गई अब, आपने जो फंक्शन मॉडल किया है ये इस जगह पे यहां से गुजरता है ना, जबकि आपकी अंडरलाइन जो रियलिटी है वो इस जगह पे प्रॉबेबली यहां से गुजर रही थी जो ग्रीन मैंने ड्रॉ किया। ये फर्क देख रहे हैं आप? जी इसकी एक और एग्जाम्पल देते हैं, अंडरलाइंग रियलिटी प्रॉबेबली इस जगह पे यहां ग्रीन पॉइंट से गुजर रही है, और आपका जो इतना ताकतवर फंक्शन था जो जीरो ट्रेनिंग एरर दे रहा था वो इस जगह पे यहां से गुजर रहा है। यानी जब मैं अनसीन डेटा दूंगा इसको टेस्टिंग टाइम पे, जिसने पहले देखा नहीं होगा, उस पे यही जीरो ट्रेनिंग लॉस वाला प्रोग्राम व आपका मशीन लर्निंग का मॉडल हॉरिबल लॉस होगा, उसका उसका लॉस टेस्टिंग विल शूट अप। ठीक है, और ट्रेनिंग लॉस आपका परफेक्ट है, जीरो पे रह रहा है, परफेक्ट, टेस्टिंग लॉस ऊपर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ओवरफिटिंग एंड दिस इज कॉल्ड पुअर जनरलाइजेशन। ठीक है जी, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक जी सर ओके आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम अदर पीपल एज वेल।
What other people? Okay, great. तुमने काफी टाइम लगा दिया पहली स्लाइड पे, यानी लेक्चर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, ठीक है? पर ये चार बातें समझनी बहुत जरूरी थी, ठीक है? मुख्तलिफ पॉलिनोमियल्स, और अब मैं सिर्फ पॉलिनोमियल का लफ्ज हटाने लगा हूं, मुख्तलिफ फंक्शंस, कुछ फंक्शंस कमजोर होते हैं, कुछ फंक्शंस ताकतवर होते हैं, कुछ फंक्शंस बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं. हर फंक्शन की अपनी अपनी ताकत है, जिसको आप न्यूरल नेटवर्क कहते हैं. क्या वो भी फंक्शन नहीं है? आप उसको इनपुट देते हैं, वो भी आउटपुट निकाल देता है. देयरफॉर कुछ न्यूरल नेटवर्क्स कम ताकतवर होते हैं, कुछ ज्यादा ताकतवर होते होंगे, कुछ में बहुत ज्यादा ताकत होती होगी. न्यूरल नेटवर्क्स की जिस तरह हमने इस पॉलिनोमियल की ताकत, इस पॉलिनोमियल हाई डिग्री पॉलिनोमियल की ताकत इसके कोफिशियंट्स को रिस्ट्रिक्ट करके कम कर दी होगी, इसी तरह न्यूरल नेटवर्क्स की ताकत भी आप उसके जो कोफिशियंट्स कह लें, यानी न्यूरल नेटवर्क्स के तो पैरामीटर्स होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स के वेट्स होते हैं, उन वेट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो न्यूरल नेटवर्क की ताकत भी कम हो जाती होगी. ताकत कम करने का फायदा क्या है? चूंकि हर चीज नॉइजी होती है, अगर आप ताकत कम नहीं करेंगे तो एक अगर बहुत ज्यादा ताकतवर न्यूरल नेटवर्क है तो वो नॉइज को मॉडल कर लेगा, और अगर वो नॉइज को मॉडल करेगा तो वो ट्रेनिंग सेट पे तो बहुत अच्छा चलेगा, टेस्टिंग सेट पे उसका एरर शूट कर देगा, पुअर जनरलाइजेशन, ओवर फिटिंग कर देगा. Yep, so I guess that's a summary. That's a summary of this whole slide. So having understood all this, now let's proceed. आज का टॉपिक यही है कि आप न्यूरल नेटवर्क्स को कैसे फोर्स कर सकते हैं कि वो ट्रेनिंग डेटा पे बहुत अच्छा परफॉर्म करना छोड़ दे, और भले कुछ गलतियां कर दे ट्रेनिंग सेट, ताकि हम ताकि टेस्टिंग टाइम पे वो अच्छा चल रहा हो. ठीक है, ओके. हम जो पढ़ेंगे, हम कोई सात टेक्निक्स पढ़ेंगे इस लेक्चर में जो रेगुलराइजेशन करेगी. इसको रेगुलराइजेशन कहते हैं, ये जो हम ओवरफिटिंग से रोकना है ना, इसको रेगुलराइजेशन कहते हैं. एक एक टेक्निक ये है, सॉरी मैं ई ऑफ डब्ल्यू लिखा हुआ है, पिछले लेक्चर्स में मैं लॉस कह रहा था, इसको मैं एरर कहने लग गया हूं. पर आपने अपने न्यूरल नेटवर्क में पिछली दफा जो अपने असाइनमेंट में इंप्लीमेंट किया है, उसमें आपके पास जो लॉस फंक्शन था वो हाफ सम स्क्वेयर एरर था. ठीक है, और आप ये कहते थे कि आप अपने न्यूरल नेटवर्क को कहते थे कोई ऐसे डब्ल्यू लर्न करो, यानी बेस्ट डब्ल्यू वो होता था जो कोई लोकल मिनिमा था. वैसे तो यहां ग्लोबल लिख रहा हूं मैं, आर्गमेंट कोई ऐसे, और मैं पूरा वेक्टर बना लेता हूँ सारे के सारे मेरे जितने भी वेट्स थे जो इस लॉस को मिनिमाइज कर. ये नोटेशन आप लोगों को समझ आती है? मेरी ऑप्टिमल पैरामीटर्स डब्ल्यू वो हैं जो इस लॉस फंक्शन की आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट इनपुट को आर्ग्यूमेंट कहते हैं, इस लॉस फंक्शन की वो वाली आर्ग्यूमेंट जिस पे लॉस फंक्शन की वैल्यू सबसे कम आती है, चाहे ग्लोबली या फिर लोकली. तो आपने अपनी पिछली असाइनमेंट में ये किया है, ठीक है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं थी. इसका मतलब है कि आपने जो भी न्यूरल नेटवर्क ट्रेन किया है, मुमकिन है कि ये ओवरफिटिंग कर, हो सकता है ना कर रहा हो डिपेंडिंग ऑन डेटा, लेकिन अगर डेटा में नॉइज ज्यादा था या कम भी था तो मुमकिन है कि आपका न्यूरल नेटवर्क नॉइज को भी मॉडल कर रहा हो, और उसकी निशानी ये होगी कि वो अनसीन एग्जांपल्स पे अच्छा नहीं चलेगा. तो एक जो बहुत ही आसान तरीका है वो ये है,
क्या अपना लॉस फंक्शन मेन जैसा भी था, यानी ये वही है हाफ सम स्क्वायर एरर, और उसमें एक और सजार डाल दें, सजा की टर्म्स में देखते हैं, ये जो पहले आप लॉस फंक्शन लाए थे क्या ये सजा नहीं थी? क्या ये सजा नहीं थी? क्या सजा थी यहां पे? तो टारगेट वैल्यू से अगर दूर हो, जितना दूर हो उतनी सजा है, जहाँ जितना तक आप दूर होंगे, जितना वाई एन और टी एन में एरर होगा, मैं उसको स्क्वेयर कर दूंगा, है ना, मैं और बड़ा कर दूंगा, और फिर उस तरह के सारे स्क्वेयर्ड एरर्स को मैं सम कर दूंगा, और जो बहुत सारे सम हो जाएंगे तो इतनी सजा मिलेगी। और फिर मैं मिनिमाइजेशन में कहता था कि ऐसे डब्ल्यू ढूंढो जिस जिनसे सजा बहुत कम आए, इतनी हो टोटल सजा, ये सबसे अच्छे डब्ल्यू होंगे। इनफैक्ट सबसे अच्छा डब्ल्यू होगा जिसकी टोटल सजा सबसे जीरो होगी, ठीक है ना। जी लेकिन ये हम नहीं चाहेंगे, बिकॉज इसका मतलब है कि ट्रेनिंग लॉस जीरो हो रहा है, वी डोंट वांट दैट। एनीवेज तो ये सजा थी, ये भी फिर सजा ही है क्योंकि मैं एक टर्म ऐड कर रहा हूं। ये कौन सी सजा है? क्या सजा है? वेट्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा ना हो, जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वेट्स का उतना। उतनी सजा होगी। जी और मैग्नीट्यूड कब ज्यादा होगा? जब इंडिविजुअल वेट्स, अगर डब्ल्यू आई की बात करूं किसी भी, अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है ना, यानी अगर इनकी वैल्यूज मैग्नीट्यूड बड़े हैं तो फिर ये टर्म भी बड़ी आएगी, और ये टर्म बड़ी आएगी तो सजा भी ज्यादा मिलेगी। तो अगर मैं इस लॉस फंक्शन को अगर मिनिमाइज करूं, अब आपने जुमला कंप्लीट करना है, ये था मेरा पुराना लॉस फंक्शन हाफ सम स्क्वेयर एरर। अगर मैं इसको मिनिमाइज करता, यानी ये वाला, अगर मैं इसको मिनिमाइज करता सिर्फ, तो मैं अपने वेट्स को क्या कह रहा हूं कि ऐसे हो जाओ ताकि क्या चीज कम हो? डिफरेंस डिफरेंस एरर्स, ताकि तुम वो ट्रेनिंग पॉइंट्स के करीब से गुजरो। लेकिन जब मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, अब मैं कौन सी दो बातें कह रहा हूं? एरर को डिफरेंस को कम करो, और दूसरा अपनी जो वेरिएशन है उसको बहुत ज़्यादा ना करो। वेरिएशन क्या है? मैग्नीट्यूड जो उसके पैरामीटर्स का है उसको ज्यादा करो, ज्यादा ना करो। उसको कम करो, जी यानी डेटा पॉइंट्स में से गुजरो, जो भी डेटा पॉइंट्स हैं उनमें से गुजरो, उनमें नॉइज होता होगा, गुजरो, लेकिन कम ताकत के साथ गुजरो। अगर इनको इजाजत होती बढ़ने की तो ज्यादा ताकत आ जाती। मैं कहता हूं अगर तुम बड़े डब्ल्यू आई को तुमने अगर बढ़ाया तो सजा मिलेगी, क्योंकि ये स्क्वेयर नॉर्म यहाँ ऐड हो रहा है, जितना बढ़ाओगे उतनी सजा ऐड होगी। तो डब्ल्यू आई को छोटा रखो, डब्ल्यू आई को छोटा रखो। अगर छोटा रख के गुजरोगे तो वो जो बहुत ज्यादा शो मारने वाला पॉलीनोमियल था ताकतवर सा, इसके तो डब्ल्यू बहुत ज्यादा होते होंगे क्योंकि ये अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है। जस्ट लाइक लाइंस में, अगर लाइन ने शो मारनी हो तो लाइन यहां से गुजरेगी ऐसे करके, या यहां से गुजर जाएगी, शो मार रही है लाइन, मैं यहां देखो मैं यहां से भी गुजर सकती हूँ, मैं यहां से लेकिन अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं उसे, कहो नहीं ये तुम बहुत जगह से नहीं गुजर सकती, आपका स्लोप भी कम होना चाहिए और आपका इंटरसेप्ट भी कम होना चाहिए, आप बस इस रीजन में से गुजरने वाली लाइंस की बात करें, ये वाली लाइंस। अब मैंने लाइंस को कम ताकत दे दी। इसी तरह मैं हायर ऑर्डर या सॉरी एक न्यूरल नेटवर्क को भी कहूंगा कि तुम एग्जैक्टली ना गुजरो, तुम कम ताकत के साथ, यानी गुजरो इनके पास, आसपास से गुजरो, अगर अंदर से गुजर सकते हो अंदर से गुजर जाओ पॉइंट्स के, लेकिन तुम्हारे तुम्हें पूरी ताकत मैं नहीं दूंगा,
तो उसकी ताकत मैं कम कर दूंगा, और चूंकि मैंने ताकत कम कर दी है, अब वो नॉइज को मॉडल करने की बजाय शायद अंडरलाइंग रियलिटी को मॉडल कर दे। होप ये होती है कि वो अंडरलाइंग रियलिटी को मॉडल कर दे। इज दैट क्लियर? इस पे कोई सवाल? नो सर। बाकी लोग? कौन कौन बैठे हैं? अबू बकर, अबू बकर बैठे हैं सर। जी अबू बकर, आपको क्या समझ आया फिलहाल? सर हमने कहा है कि हम जो मैग्नीट्यूड है ना उनको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब जो वेट्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो तो उससे ये होगा कि अगर हमारे पास एरर जो पहले हम लॉस जो पहले हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, अगर वो जीरो भी आ रहा था तो उससे हमारा मतलब ओवरफिटिंग हो जाती थी कि अनसीन डाटा के ऊपर, अगर हम उस अनसीन डाटा के ऊपर जब उसको करेंगे मॉडल करेंगे या कुछ भी तो हमारे पास रिजल्ट सही नहीं आएंगे। जीरो जीरो ट्रेनिंग एरर का क्या मतलब है? जीरो ट्रेनिंग एरर का मतलब है ओवरफिटिंग हो जाएगी कि जब अनसीन डाटा आएगा तो हमारे रिजल्ट्स वो हमें वो नहीं मिल रहे, उसके ऊपर एरर हमारा बढ़ भी सकता है, मतलब रिक्वायर्ड एरर जो सही हमारी ट्रेनिंग नहीं हो रही होगी। जीरो ट्रेनिंग एरर कब आएगा? जीरो ट्रेनिंग एरर सर तब आएगा जब हमारे जो वेट्स हैं जी वो ज्यादा ताकतवर होंगे, मतलब उनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा आ रहा होगा और वो फिट करने की कोशिश करेंगे, हर एक पॉइंट में से गुजरने की कोशिश करेंगे। हाँ ये है सर आंसर, जब आप हर ट्रेनिंग पॉइंट के अंदर से एग्जैक्टली गुजरेंगे ना तो तब ट्रेनिंग एरर जीरो हो जाएगा। यस अबू बकर, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अबू बकर का माइक शायद बड़े बड़े कन्वीनियंट टाइम पे उनका माइक शायद बंद हो गया है, या यू गाइस कैन जस्ट प्रिटेंड एनी टाइम के जी माइक बंद हो गया है, इट्स वेरी इजी नाउ। ओके सो जब आपके जब आप एग्जैक्टली डेटा पॉइंट्स के अंदर से गुजर रहे होंगे तब ट्रेनिंग एरर जीरो होगा, और अगर आप ट्रेनिंग पॉइंट्स में से एग्जैक्टली आप तब गुजरेंगे जब आप में ताकत होगी, राइट? तो मैं आपकी ताकत कम कर देता हूं ताकि आप ट्रेनिंग पॉइंट्स में से एग्जैक्टली ना गुजर सके, ताकि आप ओवरफिटिंग ना कर सके, ठीक है? सो एडिंग दिस वेट पेनल्टी, इसको वेट पेनल्टी भी कहते हैं, ये जो हमने प्लस लैम्डा और डब्ल्यू का नॉर्म जो ऐड किया है, ये वेट्स वेट्स की पेनल्टी है, इसको रेगुलराइजेशन टर्म भी कहते हैं। जगह नहीं रही है इसको, इसको रेगुलराइजेशन टर्म कहते हैं, और ये वेट पेनल्टी भी कहते हैं, और आप बस फोर्स कर रहे हैं कि वेट्स अपने छोटे रखो जब तुम डेटा में से गुजरने की कोशिश कर रहे हो। ओके सो एक तो ये मेथड हो गया। हेलो सर, आपको जी जी सर दो क्वेश्चन है, एक तो इसमें लैम्डा बाय 2 की टर्म क्या है, व्हाट इज लैम्डा, हाउ वुड यू फाइंड दैट, एंड व्हाई लैम्डा बाय 2, और दूसरा से अबाउट कि जब ई ऑफ डब्ल्यू जीरो, दैट मींस कि ओवरफिटिंग हो रही है, राइट? अगर एग्जैक्टली जीरो है, ई ऑफ डब्ल्यू अगर जीरो है तो चांस है, जरूरी नहीं है पर चांस है। एग्जैक्टली अगर जीरो हो रही है तो देन वी से कि जी ये ओवरफिटिंग हो रही है, तो अगर एक नेटवर्क है और वो एक सेकंड लेट मी क्लेरिफाई, पोर्ट 2 मैं तब कहूंगा जब ट्रेनिंग पे लॉस बहुत थोड़ा हो गया, चाहे जीरो हो जाए या जीरो के पास आ जाए, ट्रेनिंग पे लॉस थोड़ा हो गया और टेस्टिंग पे ज्यादा है, यानी जब मैं अनसीन पे देखूंगा ना, अनसीन डेटा पे जब लॉस ज्यादा हो जाए और ट्रेनिंग पे कम
दैट वॉज ओवर फिटिंग. अगर दोनों पे काम हो गया तो ओवर फिटिंग नहीं हुई, फिर तो ठीक हो गया. और अगर एक पे कम है, ट्रेनिंग पे कम है और अनसीन पे ज्यादा है, दैट्स ओवर फिटिंग. प्लीज कंटिन्यू योर क्वेश्चन. ठीक है, चलें क्वेश्चन को भी शॉर्ट कर लेते हैं. इस रेगुलेशन टर्म लगा देने से क्या ट्रेनिंग टाइम मेरा इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले हम सिर्फ और सिर्फ ईएफडब्ल्यू को कर रहे थे, अब हम पिनलाइज ईएफडब्ल्यू को कर रहे हैं. तो ईएफडब्ल्यू के ऊपर अगर वो एक्चुअली क्वेश्चन राइज यहाँ से हुआ था कि अगर ईएफडब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो जाता तो डेफिनेटली जो पिनलाइज है वो फिर लैम्डा बाई टू और डब्ल्यू मैग्नीट्यूड स्क्वायर को भी फिर अप्रोचिंग टू जीरो यानी मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा जो नेटवर्क है हमारा. तो जिसकी वजह से ऐसा फील आ रहा है कि ट्रेनिंग टाइम हमारा इंक्रीज हो जाना चाहिए रेगुलराइजेशन ऐड कर देने की वजह से. क्या ट्रेनिंग टाइम का इसके साथ एसोसिएशन बनती है? और लैम्डा बाय 2 क्या टर्म है वो नहीं अभी तक एक्सप्लेन हुआ. ठीक है, ठीक है. सो आपके दो सवाल थे, एक लैम्डा क्यों आया, उसका अगला पार्ट उसको 2 से क्यों डिवाइड किया. दूसरा सवाल आपका था कि अगर मैं सिर्फ ई ऑफ डब्ल्यू मिनिमाइज कर रहा होता या लॉस, लेकिन प्लस मैंने एक और टर्म भी ले आया और उसको भी मिनिमाइज कर रहा हूं, तो क्या इसकी वजह से अब मैं आप मैं जो आपने लफ्ज यूज किया मैं उसी को यूज कर रहा हूं, ट्रेनिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा या नहीं होगा, यही है आपका सवाल? जी सर. ठीक है. पहले इसको देख लेते हैं. आपके लॉस फंक्शन, पहले आप लॉस मिनिमाइज करते थे सीधा हाफ सम स्क्वेयर्ड एरर. जी. अब आप कहते हैं यार आपने ना हाफ सम स्क्वेयर्ड एरर भी मिनिमाइज करना है, लेकिन आपने वेट्स भी छोटे रखने हैं, डब्ल्यूज को भी छोटा रखना है. बिल्कुल. यानी सो अगर आप वाई एन टी एन से दूर हुआ तो सजा मिलेगी, अगर डब्ल्यू के मैग्नीट्यूड बड़े हुए तो तब भी सजा मिलेगी. क्या ये मुमकिन है कि मेरे पास जो एरर्स आ रहे हैं वाई एन माइनस टी एन, इसको अगर मैं ई एन कह दूं एरर एट द एंथ एग्जांपल, इनका जो स्केल है, ये एरर्स जो हैं इनके अगर स्केल की बात करो, इनके मैग्नीट्यूड्स की बात करो, ये लेट्स से वो जनरली ऑर्डर 100 है, कोई एरर 150 है, कोई एरर माइनस 170 है, किसी एग्जांपल पे एरर 200 है एंड सो ऑन. ठीक है. और मैं इनको स्क्वेयर करता हूँ और सम कर देता हूँ तो ये 100 का स्क्वेयर हो रहा होगा, 200 का स्क्वेयर हो रहा होगा, माइनस 170 का स्क्वेयर हो रहा होगा. तो यहां पे जो इस टर्म का जो स्केल है वो कोई हंड्रेड्स वाली वैल्यूज के स्क्वेयर्स हुए होंगे. आप लोग मेरे साथ हैं इस बात पे? जी सर. नाउ इमेजिन कि जो डब्ल्यूज आपके, सो एक तो ये टर्म हो गई जिसकी वजह से वैल्यूज जो आ रही है वो ऑर्डर 100 के स्क्वेयर्स है, और जो ये वाली टर्म है इसमें जो आपके वेट्स थे फिलहाल, लेट्स एग्जांपल के तौर पे लेट्स से कि अभी जो वेट्स पड़े हैं न्यूरल नेटवर्क के, उनके जो ऑर्डर है ना वो है कोई वेट 0.6 है, कोई वेट 1.2 है, कोई वेट माइनस 2.3 है एंड सो ऑन. यानी इनका जो स्केल है वो बहुत छोटा है. इन और ये स्क्वेयर नॉर्म कैसे करेंगे, इनको भी आप स्क्वेयर करेंगे, 0.6 का स्क्वेयर तो और भी छोटा हो जाएगा, इनके स्क्वेयर जरा बढ़ जाएंगे 1.2 2.3. बट डू यू सी वेयर आई एम गोइंग विद दिस, कि ये जो पहली टर्म है इसका मैग्नीट्यूड ही बहुत बड़ा है, और जो सेकंड टर्म के वजह से जो आंसर ऐड हो रहा है वो बहुत ही छोटी टर्म ऐड हो रही होगी. यहां तक आप मेरे साथ हैं कि नहीं? ठीक है. इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? वैसे तो इट वॉज नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप कहते हैं कि ये मिनिमाइज करें, तो कहते हैं डब्ल्यू स्टार इक्वल्स आर्गमिन, आर्गमिन ऑफ व्हाट, ऑफ टू थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज हाफ सम स्क्वायर एरर,
The second thing is just ये इनका square norm. और ये बहुत बड़े errors आ रहे हैं और ये बहुत छोटे errors आ रहे हैं. Do you think it is possible? Do you think it is possible कि आपका प्रोग्राम ऐसे W ढूंढना शुरू कर दे जो इसको तो मिनिमाइज करते हो और इनकी फिगर छोड़ दे, डोंट केयर हो जाए व्हाटएवर, कि भाई मैं जो मर्जी रख लूं इधर से तो सजा आ ही नहीं रही, इसको मिनिमाइज करो बस. यानी द पॉइंट इज हाउ डू यू इंश्योर दैट बोथ टर्म्स, आप चाहते हैं ना कि एरर कम आए और आप चाहते हैं ना कि ओवरफिटिंग ना हो, दोनों बातें आप चाहते हैं. हाउ डू यू इंश्योर कि दोनों हो जाएंगे? हाउ डू यू स्टॉप वन टर्म फ्रॉम डोमिनेटिंग? अगर ये टर्म डोमिनेट कर रहे हैं, लेट्स से एरर्स बहुत छोटे हैं, उल्टा देख लेते हैं, एरर्स का स्केल बहुत छोटा है और जो डब्ल्यूज हैं उनकी वैल्यूज जरा बड़ी है कंपेयर टू एरर. ठीक है, इन सम एग्जांपल तो फिर ये टर्म डोमिनेट करने लग जाएगी. यानी आप ऐसे डब्ल्यू डब्ल्यू स्टार कोई ऐसा आएगा जो वेट्स को तो कहेगा यार कम हो जाओ, ओवर फिटिंग ना करो, लेकिन एरर पे ठीक है कोई बात नहीं करते हो. ठीक है, सो टू इंश्योर कि दोनों टर्म्स अच्छा रोल प्ले करें, आप एक यहां पे स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये स्केलर अगर आप बड़ा कर देंगे तो आप कहेंगे जी रेगुलराइजेशन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है. और अगर ये स्केल आप जीरो कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर लैम्डा जीरो हो जाए तो क्या होगा? तो ओरिजिनल एरर ही आ जाएगी ना, कोई ओरिजिनल आ जाएगा, कहेगा कोई बात नहीं, वो ओवरफिटिंग करते हो कर लो मुझे कोई परवाह नहीं है. लेकिन लैम्डा की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाते हैं आप उसे कह रहे हैं कि ओवरफिटिंग ना करना, और बढ़ा देते हैं फिर ओवरफिटिंग बिल्कुल ना करना. एंड सो अब ओवर टू जो है दैट्स वो तो डेरिवेशन का सवाल आपकी तरफ वापस फेंकता हूं. ओवर टू ताकि टू जो है कट जाएगा जब हम डेरिवेटिव लेंगे. हाँ, वो डेरिवेटिव वो बस मैथमेटिकल कन्वीनियंस है, डेरिवेटिव आएगा. तो ये आपका पहला सवाल हो गया आंसर. थैंक यू सर जी. दूसरा सवाल, ट्रेनिंग टाइम इंक्रीज होगा या नहीं होगा? ट्रेनिंग टाइम आप कहते किसे? अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया. व्हाट इज ट्रेनिंग टाइम? अनलेस अंटिल कि आपका नेटवर्क कन्वर्ज कर जाए. हाँ गुड, बहुत अच्छी टर्म बोली आपने. What we are calling training time is actually convergence time. Exactly. Yeah, time to convergence. Time to convergence. ये आप कुछ नहीं कह सकते हो कि ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा. वो तो जब भी कन्वर्ज कर दिया, इशू ये है कि वो पहले जिस W स्टार पे कन्वर्ज कर रहा था पहले, अब शायद किसी और डब्ल्यू पे कन्वर्ट करेगा. क्या वो जल्दी कम इटरेशन में कर लेगा या ज्यादा में कर लेगा, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि आपने रिवीजन टर्म ऐड की थी. ताल्लुक इससे है कि अगर आपने सिर्फ इसको मिनिमाइज किया होता तो हो सकता है आप इधर चले जाते, और अगर आपने ये रेगुलराइज वाले के किया है तो अब आप हो सकता है किसी और डब्ल्यू स्टार पे चले. इस वाले में डर ये है पहले वाले में कि ओवरफिटिंग ना हो जाए, और इसमें आपकी कोशिश ये होती है दूसरे में कि आप जनरलाइजेशन जरा बेहतर कर, ओवरफिटिंग रोकने की कोशिश कर रहे हो. टाइम टू कन्वर्जेंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, बस ये है कि दे विल एंड अप एट डिफरेंट डब्ल्यूज होपफुली. इज इट क्लियर? जी सर, थैंक यू. यहां तक किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर. ओके,
so weight ki penalty jo hai, that's one way of reducing overfitting. Aur neural network mein neural network mein to bahut sari layers hoti hain. Pehli layer of neuron, dusri layer of neurons, koi teesri layer of more neurons, or maybe output layer of neurons and so on. Aur yahan pe input hai aapke paas, so ye x hai, yahan pe kahin y hoga, beech mein sari hidden layers, hidden layer 1 neurons, 2 neurons, 3. So kuch layers, kuch weights is layer ke honge, kuch weights is layer ke honge, kuch weights is layer ke honge, kuch weights is layer ke honge. bajaye ye ke main sare layers pe, sare weights ke upar ek hi lambda ke sath penalty laga dun, main ye kar sakta hu ki main is har layer ke weights mein unke sath ek alada penalty laga dun. Regularization जो hyperparameter lambda था इसको layer wise रख लो, ठीक है? Exactly वही error है, बस मैं same lambda use करने के लिए, हर layer के लिए मैं lambda l use कर रहा हूँ कि हर layer का अपना hyperparameter है lambda l, ठीक है? इसमें कोई confusion? Anyone? मेरा लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया था, रिपीट कर सकते हैं प्लीज? अब मैं सेकंड पॉइंट में सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप पॉइंट नंबर वन में क्या किया हमने कि न्यूरल नेटवर्क के जितने भी वेट्स थे सारों के लिए जो वेट पेनल्टी के जो मल्टीप्लाई जिससे कर रहे थे वो लैम्डा बाय 2 था. और अब मैं कह रहा हूँ कि न्यूरल नेटवर्क में आपके पास तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि लेयर एल के जो वेट्स हैं उसे रखकर कह देता हूँ, जब उनका नॉर्म मैं ले रहा हूँ तो उसको लैम्डा एल बाय 2, यानी हर लेयर का अपना लैम्डा होगा, हर लेयर की जो वेट पेनल्टी है उसको मैं उस लेयर के लैम्डा एल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है? यानी हर एक की पेनल्टी सेपरेट सी है और फिर उनका सम कर दूंगा. लेकिन इज इट पॉसिबल कि हम ऐसा ना करें? दिस इज वन स्ट्रेटजी टू गो ना, हम एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल. सो ये जो हम 1 2 3 4 5 6 7 है, दीस आर ऑल स्ट्रेटजीज, और आपकी मर्जी है कौन सी कितनी यूज करनी है. स्पेशली क्योंकि ये तो वो है कॉन्ट्रडिक्टरी है ना, या आप वन करेंगे या टू करेंगे, तो हाँ इसमें तो आपकी चॉइस है. यूजुअली मैं आपको बताऊं वन ही यूज होता है, पीपल डोंट, मैंने नहीं ज्यादा देखा लेयर वाइज सेपरेट ना, इट्स नॉट कॉमन. उसकी एक वजह ये है कि अब ये पहले ये डिसाइड करने की मुश्किल था कि लैम्डा क्या रखूं, अब ये भी डिसाइड करना पड़ना है कि लैम्डा वन क्या रखूं, लैम्डा टू क्या रखूं, लैम्डा थ्री क्या रखूं. सो ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर है, अगले पे चले. सो ये पॉइंट्स चूंकि ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग से आ रहे थे इसलिए मैंने इनको इन पे ज्यादा जोर नहीं दिया, मे बी मुझे स्लाइड बना देनी चाहिए थी पॉइंट वन और पॉइंट टू की, बिकॉज आई मीन पूरा लेक्चर ही लग गया है पिछली स्लाइड पे और पॉइंट वन और टू पे. सो ट्रेडिशनल, व्हाट वी हैव डन सो फार आज के पूरे लेक्चर में, हमने बेसिकली ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग की है थ्रू आउट. यानी जिन लोगों ने मशीन लर्निंग का कोर्स नहीं पहले पढ़ा हुआ, दिस वॉज द प्राइमर ऑन मशीन लर्निंग नाउ, कि क्या क्या इश्यूज थे मशीन लर्निंग के. ओवरफिटिंग मशीन लर्निंग का इशू है, सिर्फ डीप लर्निंग का इशू तो नहीं है, जनरलाइजेशन मशीन लर्निंग का इशू है, नॉइज इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स, ठीक है? और जो ट्रेनिंग और ये जो पहले दो हैं ये किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल पे है, सिर्फ डीप नेटवर्क्स पे नहीं होगा, किसी भी मशीन लर्निंग के मॉडल पे ये अप्लाई होगा कि आप जो भी पैरामीटर्स लर्न कर रहे हैं, जो भी आपके मॉडल की ताकत है, उस ताकत को थोड़ा सा कम करें ताकि आप खुदा ना खास्ता नॉइज को ओवरफिट ना कर लें, नॉइज को फिट ना कर लें, अंडरलाइंग रियलिटी को फिट करना चाहिए. तो पॉइंट वन और टू तो उसी पे है.
अब जो अगले टॉपिक्स हैं ड्रॉपआउट बैच नॉर्मलाइजेशन, ये स्पेसिफिकली न्यूरल नेटवर्क्स की वजह से याद हुए थे। मुमकिन है कि ये बाकी जगहों पे अप्लाई करते हों, ड्रॉपआउट तो करता हूँ मे बी, पर ये स्पेसिफिकली न्यूरल नेटवर्क्स की वजह से याद हुए थे। ड्रॉपआउट बैच नॉर्मलाइजेशन अर्ली स्टॉपिंग जो है ये मशीन लर्निंग, ये यानी ये और टेक और एरियाज में भी काम आता है, और एरियाज में अप्लाई करता है अर्ली स्टॉपिंग, डेटा ऑगमेंटेशन, लेबल स्मूथिंग, ये सारी और जगहों पे अप्लाई करती है। जो हमारा ये लेक्चर है दिस विल फोकस ऑन दीज टू, ड्रॉप आउट एंड बैच नॉर्मलाइजेशन। वी विल कवर ऑल ऑफ देम पर ज्यादा डिटेल में ये चीजें हैं, बाकी आसान है वो तो समझानी बहुत आसान है।